हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं पैलिंड्रोम का, कि जो नंबर हमने इनपुट किया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम अगर हम समझें क्या होता है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने नंबर दिया 534 एंड 35। अब मैंने ये नंबर दिया 534, ठीक है, 35, तो ये आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम है, ठीक है, दोनों साइड से नंबर ये सेम है। अगर हम शुरुआत से पढ़ें इसको 53435 तो भी सेम है, और लास्ट से पढ़ें 53435 तो भी सेम है। तो ये जो नंबर हमारा है ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ दूँ 6 7 8 9 7, अब मैंने इनपुट दिया ये नंबर और चेक करने को बोला इस प्रोग्राम से क्या ये नंबर पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुरुआत में 6 7 8 है, पर लास्ट से जब पढ़ने बैठे तो 7 9 8 7 6 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये नॉट पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नॉट पैलिंड्रोम एंड पैलिंड्रोम, ठीक है, से याद रखने के लिए कि पैलिंड्रोम क्या होता है, नॉट पैलिंड्रोम क्या होता है। तो हमें इस चीज का आज प्रोग्राम बनाना है सी में। तो कैसे बनाते हैं हम, लेट्स चेक। तो हैश हम लोग स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड से stdio.h, ओके। देन हम लोग अपनी मेन बॉडी लिखेंगे void main, और यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिर से, इंटीजर नंबर कॉमा एन कॉमा रिवर्स नंबर। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्रिंट एफ, एंटर द नंबर। ठीक है, फिर हम लोग इनपुट यूजर से लेंगे, तो अगेन मैं यहाँ पे इंटीजर लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे परसेंट डी कॉमा एंड में लिखूंगा, जिससे कि एड्रेस याद रहे उसको, एंड नंबर, यहाँ पे नंबर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था फुलिया। इसके बाद मैं लिखूंगा एन इजकल टू नंबर, ओके। अब मैं वाइल लूप से कंडीशन स्टार्ट करूंगा, कि मतलब वाइल लूप का कि तब तक चले जब तक मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, ओके। सो यहाँ पे मैं देता हूँ कंडीशन एन ग्रेटर जीरो, तो मेरा जो लूप है वो तब तक चले जब तक मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं होती। इसके बाद सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, वाइल लूप के अंदर हम लोग आए, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिवर्स नंबर, क्योंकि मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इज इक्वल टू रिवर्स नंबर परसेंट 10 प्लस एंड परसेंट 10, ओके, देन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10, ओके। मैं ये पूरा आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा फिर से। मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि इफ मेरा नंबर जो है वो इज इक्वल टू रिवर्स नंबर के बराबर हो। अभी मैंने बताया था कि पैलिंड्रोम क्या होता है, जब मैं नंबर रिवर्स करूँ तब भी सेम हो और जब मैं स्टार्ट करूँ तब भी सेम हो। तो यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि इफ मेरा नंबर जो है इज इक्वल टू हो रिवर्स नंबर के तो भी ये चले, तो ये प्रिंट करे प्रिंट एफ पैलिंड्रोम, ओके। इफ मेरा नंबर रिवर्स नंबर के बराबर हो तो प्रिंट करे पैलिंड्रोम, एल्स ये प्रिंट करा दे नॉट पैलिंड्रोम, प्रिंट एफ नॉट पैलिंड्रोम,
अब हम इसे एग्जीक्यूट करा के चेक करते हैं। मैं अगेन यहाँ पे देता हूँ 53435। तो यहाँ पे इसने बता दिया पैलिंड्रोम। मैं एक और बार इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब मैं इसमें कुछ गलत नंबर देता हूँ। अब हम चेक कर सकते हैं 54567। जब ये नंबर रिवर्स करा तो सेम नहीं है, तो ये नॉट पैलिंड्रोम है। अब ये हुआ कैसे हम लोग समझते हैं जरा। मान लीजिए मुझे रिवर्स नंबर इक्वल टू, शुरुआत में मैंने जीरो रखा था, यहाँ से इस लाइन से हमने जो इनपुट है यूजर से इनपुट कराया कीबोर्ड के थ्रू। मान लीजिए मैंने कराया था 53435, या फिर मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 121। ओके 121 लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब जब मैंने 121 नंबर लिया, वो किस में आ गया, एन में। यहाँ पे रखा 121, तो 121 क्या है, जीरो से ग्रेटर देन ग्रेटर है। ओके तो यहाँ पे जब मैंने एन 121 मॉडुलस 10 कराया, तो मुझे क्या मिला, वन। रिमाइंडर जो मिला मुझे क्या मिला, वन। ओके एंड देन यहाँ पे जब मैंने वन मिला मेरा यहाँ पे, और रिवर्स नंबर क्या था मेरा, ये जो रिवर्स नंबर है वो इनिशियली ज़ीरो था, ठीक है। तो 0 × 10 कितना हो गया, ज़ीरो। तो अब जो वन मेरा किस में आके हो गया, रिवर्स नंबर में सेव हो गया वन। यहाँ पे जो एन हमारा अभी भी क्या है, 121। तो 121 डिवाइडेड बाई 10, तो जब 121 डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमें क्या मिला, 12। ओके सो 12 कहाँ पे गया, हमारा एन में। अगेन 12 यहाँ पे आके कंडीशन में चेक किया कि 12 क्या है, अभी भी ग्रेटर देन है ज़ीरो से। अभी हमारे पास रिवर्स नया रिवर्स नंबर क्या आके रख गया है, वन। ओके और यहाँ क्या है, 12। तो अब अगेन हम लोगों ने 12 मॉडुलस 10 कराया, तो हमें क्या मिला, 2। अगेन हमें क्या मिला, 2। तो 2 जब मिला, और यहाँ पे 1 × 10 ये कितना हुआ, 10। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। अब हमें क्या मिला है, 12। ओके तो अब हमारा नंबर क्या है, 12। तो जब मैंने 12 को डिवाइडेड बाई 10 किया, तो कितना मिला मुझे, 1। ओके सो अब 1 मेरा कहाँ गया, यहाँ पे। अगेन कंडीशन में 1 मॉडुलस 10, तो 1 मॉडुलस 10 कराते हैं, जो कि होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 1। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2 × 10। तो यहाँ पे जब मैंने 2 × 10 किया, तो मुझे क्या मिला, 20। ओके अब जब यहाँ पे, और ये कितना था, एन परसेंट 10 वन, तो 1 एंड हेयर हमें क्या मिला, 21। तो अब रिवर्स नंबर हमारा क्या आ गया, 21। तो अब यहाँ पे 21 में जब मॉडुलस 10 कराया, तो क्या मिला अगेन हमें, अब अगर अपन एन अभी भी हमारा क्या था, 12। तो 12 वो 2 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना मिला, 0। अब क्या कंडीशन हो गई, फॉल्स, और हमारा रिवर्स नंबर क्या आ गया, 121। ओके सो अब जब हमने कंडीशन चेक कराई कि 121 और शुरुआत का नंबर हमारा 121, दोनों रिवर्स नंबर भी हमारा 121 है और नंबर भी 121 है, दोनों सेम है, तो क्या प्रिंट कराना है, पैलिंड्रोम। ओके सो हम इसको अगेन एग्जीक्यूट करा के चेक करते हैं 121, तो इसने बता दिया पैलिंड्रोम। ओके